बच्चा में पकड़ के लाते हैं, बच्चे में पकड़ के लाते हैं और उसे मोटे मोटे जंजीर से बांध दिया जाता है। सिखाने के लिए तो पहले बच्चे से सिखाया जाता है ना, इसीलिए वो बच्चे को भी लाता है और बड़ों को वो सिखा सकता नहीं जल्दी से, तो बच्चे को लाता है और मोटे मोटे जंजीर से बांध दिया जाता है। बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है और वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता है। बच्चा से वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे वो विशालकाय हाथी हो जाता है और तब उसका क्या करता है, उसका जो मालिक होता है, उसको जो ट्रेंड करते हैं, वो क्या करता है कि एक पतली से रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन वो कभी तोड़ना नहीं चाहता उसे। आप उससे रिलेट कीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारा सोच बांध दिया जाता है बचपन से, हमारा सोच बांध दिया जाता है कि बेटा तेरा औकात 20 से 25 हजार है, 15 हजार है, 10 हजार है, 30 हजार है, उसे बांध दिया जाता है। जैसे हमारे सर ने एक बताए थे कि नाना जी हमारा नौकरी करता है, दादाजी नौकरी किए, पिताजी नौकरी किया, घर में सारे कोई नौकरी किया, तो हमें कौन सा सिखाएंगे, हमें क्या पायलट बनना थोड़े सिखाएंगे, पायलट क्या कहता है, बिजनेसमैन बनना थोड़े सिखाएंगे, वो तो कहेगा तू भी अच्छा से पढ़ ली, 10-15 हजार की जॉब लग जाएगी, बेटा अच्छा से पढ़ तो 10-15-20-25 हजार की जॉब लग जाएगी। कोई बिजनेस सोचता नहीं कि हाँ बिजनेस में इतना भी हो सकता है, एक हमारा चाय पत्ती बदलने से, एक साबुन बदलने से हम लाखों के मालिक हो सकते हैं, लाखों अपने आप के मालिक बन सकते हैं। हमारे अपलाइन ने एक बराबर जो है सो जोक मारा करते थे, जोक नहीं बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी इंसान किसी को जिंदगी नहीं बदल सकता है, कोई भी इंसान किसी को जिंदगी नहीं बदल सकता है, लेकिन सर अपने आप को बदल करके दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन सकता है। हमारे अपलाइन अजीब अंसारी हैं, जिसकी 23 साल उम्र है, 2.5 से 3 लाख पे आउट है, 12 लाख की कार से चलते हैं, दादी नहीं आई है लेकिन गाड़ी से चलते हैं, 12 लाख के गाड़ी से, 2.5 से 3 लाख उनका पे आउट है। कहते हैं कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि 1 दिन शेर की तरह जियो, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि 1 दिन शेर की तरह जियो, ताकि 100 भेड़ अगर आगे से निकले तो सलाम ठोक के निकले।